निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला हल हुआ तो ठीक, वरना फिर मामला पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लियामानी कमेटी भी मामला तय न कर सकी तो फिर इलेक्शन कमीशन देखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कल रात हमारी इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी, मुलाकात में एक सियासी जमात के अलावा सब ने मुझे इख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट के कल वाले फैसले से नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं। 5 साल नाअहली का अरसा नवाज शरीफ मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आज से नहीं 30 साल से फौज की आंख का तारा हूँ। वोट को इज्जत दो का हमारा नारा आज भी मौजूद है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाना मेरी जिम्मेदारी थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के गुज़श्ता इजलास में इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने पर इत्तेफाक हुआ। मजीद कहा कि 50 रुपये फी यूनिट कीमत में कई असबाब शामिल हैं। अब भी 63% बिजली सार्फीन को सब्सिडी मिल रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से पता चलेगा कि मुस्तकबिल की सियासत क्या है और इलेक्शंस कब होंगे। कहा कि अगर सादिक संजरानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने तो ये साइन ऑफ फ्यूचर पॉलिटिक्स होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज को कोशिश करनी चाहिए कि खुद तय करें इलेक्शन कमीशन में मामला ना जाए। इलेक्शन में ताखीर मुल्क का नुकसान होगा। उन्होंने पेशगोई की कि आइंदा भी इत्तेहादी हुकूमत की बनेगी। कहा कि अगर पीडीएम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के लिए मुशावरत का बाकायदा आगाज। एमक्यूएम के वफद की अपोजिशन लीडर राना अंसार की क्यादत में वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का क्यादत से मुशावरत के बाद कल दोबारा से मुलाकात पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना है उम्मीद है कि निगरान वज़ीर-ए-आला का तकरर इत्तेफाक राय से हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद, बोले कि तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि यह सूबा न चले। चेयरमैन पीटीआई ने सिंध हुकूमत और सिंध के अवाम को डिसोन कर रखा था। बलोचिस्तान असेंबली का आज आखिरी दिन। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने असेंबली तहलील करने की एडवाइजरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आला की एडवाइजरी आज मंजूरी के लिए गवर्नर बलोचिस्तान को भिजवा दी जाएगी। बलोचिस्तान असेंबली की आइनी मुद्दत आज रात 12 बजे पूरी हो जाएगी। कबल अस वक्त असेंबली तहरीर करने की सूरत में इलेक्शन के लिए 3 माह का वक्त होगा। असेंबली मुकर्रा वक्त पूरी करके अस खुद तहलील हुई तो आइन के मुताबिक इंतखाबात 2 माह में कराना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ ट्रायल हुआ। ट्रायल मुकम्मल होने पर दरख्वास्त गुजार को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत फरीकैन को नोटिस जारी करती है। ऑफिस को हिदायत की जाती हैं कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किया जाता है। ये सब ड्रामा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल हो चुका है। मीडिया खेलकर अहमियत जताई जा रही है। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं उम्मीद है कि शहबाज शरीफ और नाम निहाद अपोजिशन लीडर आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान कर देंगे और बात इलेक्शन कमीशन तक आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। 90 दिन में इलेक्शन करवाने होंगे और जो सलूक इन्होंने अवाम से रवा रखा है उसका इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह की दरख्वास्तें जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 16 अगस्त को दरख्वास्तें जमानत पर समाअत करेगा। खदीजा शाह ने 9 मई के वाकयात में दर्ज मुकदमात में रिहाई के लिए दरख्वास्तें जमानत दायर की। अवाम पर महंगाई के पैदरपे वार। आटा चीनी चिकन समय तमाम अशियाए खुर्द-ओनोश की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म। सारिफीन को आटे का 10 किलो का थैला 1260 रुपए का मिलेगा। दालों की कीमत 20 और चावल की 15 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। लाहौर में चीनी 160 रुपए में फरोख, कराची में चिकन 740 रुपए फी किलो का हो गया। और जश्न आजादी के लिए तैयारियां तेज। मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार। गली मोहल्ले सज गए। बाजारों और स्टॉल्स पर खरीदारों का रश।
बच्चे और बड़े झंडों, झंडियों, बैजेस, कैप्स और दीगर आरायशी चीजों की खरीदारी में पुरजोश।